हेलो गाइस मेरा नाम यासर ए भट्ट है मैं एक रिफ़्रैक्शनिस्ट हूँ स्वागत करता हूँ मैं आपके मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम रिफ्रैक्शनस्ट यासर ए भट्ट है आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ उसका नाम रिफ्रैक्शन है रिफ्रैक्शन होता क्या है रिफ्रेक्शनिस्ट किसको कहते हैं रिफ्रेक्शनिस्ट का काम क्या है रिफ्रेक्शनिस्ट का काम करने का दायरा क्या है और कौन कौन सी चीज़ें जो रिफ्रेक्शनिस्ट यूज़ करता है विजन रूम में या रिफ्रेक्शन रूम में वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी है ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाएं तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है रिफ्रैक्शन देखिए फिजिक्स में आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एक अलग टर्म है रिफ्रैक्शन एक अलग टर्म है मैं रिफ्लेक्शन की तरफ नहीं जाऊंगा हमारा टॉपिक हमारी बाउंड्री जो है वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है तो मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा रिफ्रैक्शन क्या होती है देखिए व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इट डिविएट्स इट्स ओरिजिनल पाथ मतलब जब रे ऑफ लाइट जो इन्फिनी से आती है अगर एक मीडियम से आ रही है और दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जैसे हमारे पास रे ऑफ लाइट एयर से आ रही है और वो गिलास स्लेब को पार कर रही है तो वो रे ऑफ लाइट डिविएट हो जाती है वेदर इट डिट ट्रॉम द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नार्मल ठीक है जिस डिवियशन उस डिवियशन को जो ओरिजिनल पाथ से डिविएट होती रे उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन जब वो रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है इट डिविएट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल वो रे बेंड हो जाती है द ग्रेटर द डेंसिटी डिफरेंसेस बिटवीन द टू मीडिया द मोर द लाइट बेंड जब दो मीडियम की डेंसिटी जो है जिस मीडियम की ज़्यादा होगी वहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगी दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज ऑप्टिकल लेंजेज यूज टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड टू मेक डिफरेंट ऑपथेलमिक इंस्ट्रूमेंट यही फिनमोना यही प्रॉपर्टी जो है यूज़ की जाती है कहाँ ऑप्टिकल लेंजेज में जो हमें प्रोवाइड की जाती है कहाँ पे हमारे आइज़ के जो रिफ्रेक्टिव एरर्स है कौन कौन रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं हमारे पास मायोपिया है हाइपरोपिया है एस्टिग्मेटिज़म है एक और रिफ्रैक्टिव एरर है जिसको हम रिफ्रेक्टिव एरर नहीं कहते हैं जिसको हम एज रिलेटेड फैक्टर कहते हैं उसका नाम बायोपिया है तो यही प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है किसके लिए इन रिफ्रेक्टिव एरर्स को ट्रीट करने के लिए क्यों क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स सॉरी कन्वेक्स लेंस कन्केव लेंस लगते हैं सिलेंड्रिकल हो स्पेरिकल हो कनकी में स्पेरिकल हो सिलेंड्रिकल को वही हम यूज़ किए करते हैं कहाँ पे अपने रिफ्लैक्टिव एरर्स को करेक्ट करने के लिए तो अब दूसरी बात जो है वो है लाज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने पढ़ा होगा दो लाज होते हैं रिफ्लेक्शन के सॉरी रिफ्रैक्शन के वो हैं द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टिव रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल सेम प्लेन दूसरा प्रिंसिपल है दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इज कॉन्स्टेंट जो एंगल है, जो है एंग, आ, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वो कॉन्सटेंट होता है और उसको कहते हैं दैल्यू ऑफ दिस उस कांस्टेंट को कहा जाता medium, है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन गिलास है वन पॉइंट फाइव टू फ्रेंट गिलास है वन पॉइंट सिक्स फाइव एंड एयर का है वन पॉइंट जीरो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस याद रखना क्राउन गिलास का वन पॉइंट थ्री थ्री जो है वाटर का है सॉरी वाटर का मैं भूल गया वाटर का है वन पॉइंट थ्री थ्री क्राउन गिलास वन पॉइंट फाइव टू एंड फ्रिंट गिलास वन पॉइंट सिक्स फाइव ईयर का है वन पॉइंट जीरो देखिए ये रे ऑफ लाइट है जो डिविएट हो रही है ठीक है जो डिविएट हो रही है और उसके बाद इंसिडेंट रे को टच करके बाहर निकल जा रही है ठीक है अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास जो टूल्स हैं जो रिफ्रैक्शनस्ट होता है वो जब अपने विजन रूम में बैठता है या रिफ्रैक्शन रूम जिसको कहते हैं वहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं जो यूज़ करने के बाद रिफ्रेक्शन जो है की जाती है हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास ट्रायल सेट है हमारे पास ट्रायल फ्रेम है हमारे पास रेटेनोस्कोप है हमारे पास स्टिनोपिक स्लिट है हमारे पास पिन होल है हमारे पास ऑक्लूडर है ये सारी चीज़ें ऑक्लूडर पिन होल स्टिनोपिकलिट्स हमारे पास ट्रायल सेट में आ जाती है ट्रायल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो हम पेशेंट के आँख में लगाते हैं जिसको एनक जैसी की, एनक जैसी होती है जिसको एनक कहते हैं ठीक है वो क्या होती है ट्रायल फ्रेम और ट्रायल सेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास लेंजेज़ होते हैं स्पेरिकल लेंजेस सिलेंड्रिकल लेंजेस और हमारे पास स्ट्रीनिपलिट होती है हमारे पास पिन होल होता है हमारे पास अकलूडर्स होते हैं हमारे पास प्रिजम्स होते हैं तीसरा इंस्ट्रूमेंट रेटोप है फोर्थ इंस्ट्रूमेंट आटो रिफ्रेक्टोमीटर होना चाहिए फिफ्थ टोनोमीटर होना चाहिए स्नेलेंस चार्ट होना चाहिए होना चाहिए या स्नेलेंस ड्रम होना चाहिए जिसको लैंडॉट चार्ट भी कहते हैं एलिट्रेट चार्ट भी होना चाहिए उसके साथ अटैच ठीक है और लाइट जो है रूम में डिम एलिमिनेटेड लाइट होनी चाहिए ना उतनी ज़्यादा तेज़ ना उतनी कम लाइट मीडियम में लाइट होनी चाहिए ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इन चीज़ों का काम क्या है ये चीज़ें कैसे काम करती हैं तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए थैंक यू